सो एज गवर्नमेंट ने बताया कि सिक्योरिटी रीजंस, दिस इज द मेजर थिंग जिसकी वजह से पबजी बैन हुआ है, एंड टेंसेंट बीइंग चाइनीज कंपनी, डेटा सिक्योरिटी की वजह से दे हैव बैन्ड दी गेम इन इंडिया, चाइना, या टेंसेंट पार्टनरशिप, एग्जैक्टली, एंड सिक्योरिटी रीजंस वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से ये हुआ है. जैसे आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि पबजी इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ पब्लिशर इन इंडिया, सो देर आर रूमर्स कि ऐसे भी हो सकता है कि इट्स गोना बी जियो, इट्स गोना बी डिज्नी और सम एंटायरली न्यू ऑर्गेनाइजेशन. ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है, बट ये जितना इजी लग रहा है ना बोलने में कि उनको अगर कोई पब्लिशर मिल गया एंड द गेम विल बी बैक, वो इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि उसमें वापस वंस दे फाइंड अ पब्लिशर इन इंडिया, उनको लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड वो सब में तो टाइम जाएगा ही जाएगा, वो तो हो गया. उसके बाद दे ऑल्सो हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एंड दे हैव टू प्रूव दैट ये आपके जो हमारे जो सिक्योरिटी का वॉयलेशन नहीं हो रहा है इसमें. सो वी डोंट हैव अ क्लियर आइडिया कि अगर पबजी आता भी है वापस तो वो कब तक आएगा. देर इज नॉट अ डेफिनेट टाइम लाइन, एंड आएगा भी तो भी जो ई स्पोर्ट सिनारियो अभी तक था वो सेम कंटिन्यू होगा. वी डोंट हैव अ क्लियर आइडिया ऑन दैट. जस्ट बिकॉज पबजी आएगा तो वैसे नहीं होगा कि हाँ पबजी आ गया एंड इंस्टेंटली इट वुड बी बैक टू नॉर्मल एंड वापस जहाँ वेर वी लेफ्ट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, ऐसा नहीं होगा. जो ये बैन हुआ है एंड जो भी नया पब्लिशर आएगा, इधर इट वुड बी बहुत ही ज़्यादा बड़ा चीज़ होगा या इट विल बी लाइक हाँ बहुत नीचे से वापस चालू हो रहा है. सो उसका फ्यूचर का अभी भी हम बहुत अनसर्टेन है. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके, ये कैसे वर्क होता है. लेट्स से एक मूवी है, तो मूवी को बनाता कौन है? प्रोड्यूसर, ओके. देन व्हाट डज प्रोड्यूसर डू? वो एक अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेगा एंड उसको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचेगा, म्यूजिक राइट्स बेचेगा, एंड उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर जाके उसको थिएटर में बेचेगा एंड म्यूजिक पे कॉपीराइट्स एंड ऑल, उससे पैसे कमाएगा. ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है. सेम वैसे ही है, पबजी ने जो गेम बनाया है उन्होंने अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो सब टेंसेंट को दिया है. तो जो भी इंडिया के अंदर जो अभी तक होता था वो सब कुछ टेंसेंट संभालता था पबजी के अंडर. बट जब तुम टेंसेंट को ही रिप्लेस कर रहे हो विद सम न्यू आइडेंटिटी, तो अब वो जो जो वो आइडेंटिटी वो करेगा स्ट्रक्चर, उस हिसाब से सब कुछ रूल आउट होगा.